आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। साथ ही साथ दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, कर्नल अजय कोठियाल जी, प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर जी और हमारे साथी विधायक प्रवीण जी भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष जी अपनी बात रखेंगे और उसके अंत में फिर हम सबके सवाल लेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, आज उत्तराखंड आगमन के दौरान रुड़की में जीवन दीप आश्रम जूना अखाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी यतिनानंद गिरी जी के आग्रह पर आज यहाँ पर आगमन हुआ और उनके द्वारा आयोजित सतचंडी महायज्ञ में शामिल होने का अवसर मिला। मुझे बहुत सौभाग्य है मेरा कि आज इतने दिव्य यज्ञ में मुझे स्वामी जी के आग्रह पर आमंत्रण पर यहाँ शामिल होने का अवसर मिला। बहुत दिव्य अनुभूति हुई वहाँ वेद मंत्रों के द्वारा माता की, माँ भगवती की पूजा की। मैं खुद माँ भगवती का उपासक हूँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। मैंने अपने परिवार के लिए, अपने दिल्ली परिवार के लिए, उत्तराखंड परिवार की खुशहाली के लिए, पूरे देश की खुशहाली के लिए माता से आशीर्वाद मांगा, प्रार्थना की माता के चरणों में। और उसके बाद मैं शहर के अलग अलग कुछ क्षेत्रों में जाके आम लोगों के बीच गया, रेस्टोरेंट में, मार्केट में लोगों से मिला, जाके युवाओं से मिला, महिलाओं के ग्रुप में बैठा जाके बात की, स्टूडेंट्स के बीच गया, बुज़ुर्गों के बीच गया, प्रोफेशनल्स के बीच गया, ऐसे ही कुछ लोगों से रास्ते में एकदम आम आदमियों से मिला। और मैंने उनके बीच एक सवाल रखा, मैंने उनके बीच कहा कि उत्तराखंड के लोगों के सामने आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें थोड़े दिन पहले तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे जिनका निकनेम था जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर। उसके बाद तीरथ सिंह जी आए, उनका नाम भी जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर ही रह गया, काम नहीं कर पाए। उसके बाद पुष्कर धामी साहब आए हैं, पुष्कर धामी साहब तो खुल के कहते हैं कि भाई ना तो मैं किसी की चोरी रोकूंगा ना रोकने दूंगा, उनका तो स्टेटमेंट है। मैं सुन रहा था कि मैं किसी की चोरी बंद नहीं करूंगा, जो करता है करता रहे। तो उत्तराखंड की जनता के सामने एक तरफ निकम्मे और भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ एक कट्टर देशभक्त के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल कोठियाल साहब हैं, जिनकी ईमानदारी की, जिनकी कर्तव्य निष्ठा की, जिनकी मेहनत की, जिनकी देशभक्ति की कस्में देश भर के लोग खाते हैं, जिनका पूरा जीवन देश के लिए कुछ करने और बलिदान देने, अपने आप को संकट में डाल के भी देश की सेवा करने के भरा रहा है, वो देवभूमि के लाल हैं। तो मैंने आज वहां पर पूछा लोगों से, जब मैं अलग अलग ग्रुप से मिला तो मैंने पूछा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, भ्रष्टाचारी या भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला, या देश की सेवा करने वाला ईमानदार मुख्यमंत्री होना चाहिए, कट्टर देशभक्त होना चाहिए कर्नल कोठियाल साहब जैसा। तो वहां तो युवाओं ने भी कहा साहब अगर कर्नल कोठियाल साहब जैसा, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिला मेरे सवाल के जवाब में। मेरा सवाल स्पष्ट था कि क्या कर्नल कोठियाल जी जैसा व्यक्ति उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये तो मेरी एक छोटी सी यात्रा थी, मैं यज्ञ में शामिल होने आया था तो इस अवसर का इस्तेमाल मैंने उत्तराखंड के एक शहर में छोटे से छोटे समूह के सामने किया। आज मैं प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही सवाल उत्तराखंड के सभी भाइयों और बहनों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा, छोटे से समूहों में मैंने जवाब दिया तो बहुत उत्साहजनक था मेरे लिए तो, पर मैं उत्तराखंड के तमाम वोटर्स के सामने, उत्तराखंड के बच्चों के सामने, उत्तराखंड की महिलाओं के, भाइयों के, बहनों के, बुजुर्गों के, सबके सामने आज ये सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या कर्नल कोठियाल जी जैसा व्यक्तित्व उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए।
मैं आज आप सब पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि मेरे इस सवाल को जनता तक पहुंचाएं, ताकि जनता अपने दिल से इसका जवाब दे सके कि क्या कर्नल कोटियाल जी जैसा व्यक्ति उत्तराखंड का भावी मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो यही सवाल रखने में आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया था, मैंने थोड़े से लोगों से पूछा था, जवाब बहुत पॉजिटिव था। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके माध्यम से अगर ये सवाल जनता तक पहुंचेगा तो जनता के बीच से जवाब भी आएगा, और जनता के बीच से जवाब तो हमें पड़ा है, पूरा भरोसा है कि जनता भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने वाले की जगह एक ईमानदार और कट्टर देशभक्त को ही मुख्यमंत्री चुनना चाहेगी। पर मैं आज उत्तराखंड के लोगों के बीच आपके माध्यम से सवाल रखना चाहता हूँ, मैंने ये सवाल रखा था, धन्यवाद। अब आपका कोई सवाल हो इस पे या और विषयों पे तो हम बात कर सकते हैं। तो क्या कर्नल कोटियाल जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे यहाँ पर चुनाव? अभी मैं उत्तराखंड के लोगों से सवाल रख रहा हूँ, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चेहरा पार्टी तय करेगी, उत्तराखंड के कार्यकर्ता तय करेंगे, उत्तराखंड के लोगों की राय पे तय करेंगे, लेकिन पहले मैं उत्तराखंड के लोगों के बीच इस सवाल को रख रहा हूँ कि क्या कर्नल कोटियाल जी जैसा ईमानदार कट्टर देश व्यक्ति उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए? दिल्ली में बिजली फ्री की है, यहाँ की 300 यूनिट बिजली देने का वादा किया है, तो क्या है ये, क्या बिजली खेल रहे हैं? आम आदमी की जरूरत है भाई बिजली, आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, मुझे किसी से बात भी करनी है तो आज मोबाइल पे बिजली से चार्ज होगा, मुझे अपने बच्चे पढ़ाने, घर में रोशनी चाहिए। उत्तराखंड तो बिजली पैदा करने वाला भूभाग है देश का, यहाँ पर बिजली इतनी महंगी, वजह वही है भ्रष्टाचार, वजह वही है बेईमानी। जैसा पार्टी तय कर चुकी है सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी समस्या है अच्छी शिक्षा ना मिल पाना। दिल्ली में दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुन के उनको मौका दिया, तो केजरीवाल जी की सरकार ने जो देश के सामने मॉडल रखा, जिसमें एक तो बिजली का ही काम है सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता से लोग चर्चा करते हैं, यहाँ की भी शिक्षा व्यवस्था तो बहुत ख़राब है, आज यहाँ की शिक्षा अच्छी ना होने के कारण ही लोगों का पलायन है, बेरोजगारी की वजह भी यही है कि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है लोगों को। मैंने यही सवाल रखना था, यही सवाल जिसका मैं पार्टी तो शुरू हुई है, पुराने और नए सब मिलकर लड़ेंगे उत्तराखंड, सब उत्तराखंड के लिए। अभी हमारे साथ तो ऐसी किसी की बात नहीं हो रही है, अगर वो आना चाहें तो उनके लिए आपकी कोई बात, वो डिपेंड करेगा कौन है। देखिए हमने ये हमेशा से कहा है कि ट्रिपल सी का फॉर्मूला निश्चित तौर पे हमेशा से आम आदमी पार्टी के एजेंडा में रहा है, कोई भी करप्ट कम्युनल या करप्ट व्यक्ति हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं होगा, अन्यथा जो भी आम आदमी पार्टी में सम्मिलित होना चाहता है उसको ये तीन अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, और जो भी इन तीन अग्नि परीक्षाओं को पास करेगा उसका फिर आम आदमी पार्टी में होगा। देखिए मैंने आपको बिल्कुल स्पेसिफिक बता दिया, किसी इंडिविजुअल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हमने एक बार लगा दी कि कोई भी करप्ट कम्युनल या क्रिमिनल व्यक्ति आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं होगा। अभी तक आम आदमी पार्टी वो वॉशिंग मशीन ईजाद नहीं कर पाई है जिसमें से एक तरफ से भ्रष्टाचारी को डालो और दूसरी तरफ से साफ आदमी निकलता है, ऐसी वॉशिंग मशीन केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। यानी आम आदमी पार्टी में यही स्थिति रहेगी जो पहले और पार्टियों में रही है, कोई भी किसी पार्टी से चुनावी वक्त में आ जाता है उसको टिकट दे दिया जाता है। मैं तो आज जो मूल सवाल है आपके बीच में, कौन आ सकता है वो बहुत बात की बात है, वो आएगा कि नहीं आएगा, कौन कल्पित आदमी है वो सब बहुत दूर के सवाल है। आज जो सवाल है उत्तराखंड की जनता के सामने मैं रख रहा हूँ और बहुत आदर के साथ रख रहा हूँ कर्नल साहब के प्रति और उत्तराखंड के वोटर्स के प्रति, कि क्या उत्तराखंड के लोग कर्नल साहब को देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, ये मैंने सवाल रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर आप लोग भी चर्चा करेंगे। मिल तो बहुत लोग रहे हैं, मैं अलग अलग यात्राओं में मैं उत्तराखंड में लगातार पिछले 8-10 महीने से आ रहा हूँ और इन सब पे काफ़ी विस्तार से भी चर्चा हुई है, मैंने चुनौती भी दी थी उत्तराखंड के मंत्री जी को जब उन्होंने दिल्ली के बारे में कुछ सवाल किए थे, तो मैंने कहा दिल्ली आ जाए मैं दिखाऊंगा, मैं आ जाता हूँ, तो उन्होंने उससे भी भाग गए। वो पलायन
बेरोजगारी उसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का ना होना है। बेरोजगारी का कारण भी ये है कि अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, काम चलाओ शिक्षा अगर मिल भी रही है तो काम चलाओ मिल रही है। जिस दिन अच्छी शिक्षा मिलेगी यहीं के लोग ऐसा रोजगार क्रिएट करेंगे कि दूसरे राज्यों से दिल्ली से भी यहाँ आएंगे लोग। हमारा किसी भी इस तरह की चीज को स्वीकृति नहीं। धन्यवाद।